दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्सेओ को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सेओ में। मैं वैशाली। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर एयरटेल का जो eSIM आता है, तो आप अगर आईफोन में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर eSIM कार्ड जो है आप आईफोन में किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो विदाउट फिजिकल सिम कार्ड। तो ये आईफोन या तो जो फ़ोन डिवाइस होते हैं अदर फोन डिवाइस, तो ये eSIM कार्ड सपोर्ट करते, तो ये eSIM कार्ड आप किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हो, इसके लिए क्या प्रोसेस होंगे, आपको क्या करना होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये eSIM कार्ड की अगर बात की जाए तो मोस्टली ये आईफोन के जो आईफोन एक्स या तो आईफोन एक्स आर या तो गूगल पिक्सल के कुछ डिवाइस है, गूगल पिक्सल 3 या तो 3 एक्स, ये डिवाइस eSIM कार्ड सपोर्ट करते। तो ये eSIM कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको कौन से रिटेलर या तो एयरटेल स्टोर को जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठे ही एयरटेल का eSIM कार्ड एक्टिवेट कर सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। तो जस्ट एक प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। आपको यहाँ पर eSIM कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ईमेल आईडी जो होगा आपका वो एयरटेल के साथ में लिंक करना है। तो आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ ये एयरटेल के लिए है, तो ये ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का SMS सेंड करना है, यहाँ पर स्मॉल में ई और कैपिटल में सिम स्पेस ईमेल पे सेंड करना है। उसके बाद में आपको एक SMS आएगा कि वो SMS रहेगा आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारे पास आई है, और eSIM कार्ड कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर 1 प्रेस करना होगा। तो आपने 1 प्रेस अगर किया तो उसके बाद में एक QR कोड होता है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है। तो वो QR कोड जो है वो 2 आवर्स में मिल जाता है, या तो 5 मिनट या तो 10 मिनट में भी आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। तो कुछ इस तरीके का ये QR कोड यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ कि इस तरीके से रहता है। तो ये QR कोड आपको इस तरीके से स्कैन करना है। तो आपको ये आपके जो आईफोन होगा आईफोन के सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको मोबाइल डाटा में जाना है और यहाँ पर ऐड डाटा प्लान पर टैप करना है। तो जैसे आप ऐड डाटा प्लान पर टैप करते हो तो आपको यहाँ पर स्कैन के लिए बोलेगा, तो QR कोड होता है वो जो ईमेल आईडी पे आता है। तो यहाँ पर ये सिंगल टाइम यूज़ होता है, तो आपको ये जैसे स्कैन करोगे तो ये सिम कार्ड जो होगा eSIM कार्ड एक्टिवेट जाएगा और नेटवर्क भी यहाँ पर शो करेगा। बट आपको जो फिजिकल सिम रहेगा यहाँ पर आपके जो डाटा प्लान या तो लेबल शो कर रहा है, यहाँ पर आपकी कंपनी कौन सी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर ये शो करता है। तो उसके बाद में अगर आप 4G अनेबल करना चाहते हो तो 4G अनेबल भी कर सकते हो, और आप सिंपली जैसे नॉर्मल सिम होता है वैसे इसे यूज़ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपका जो QR कोड होता है ईमेल आईडी पे वो आपको स्कैन करना होता है ऐड डाटा प्लान में, और 2 आवर्स में आपका eSIM कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। 2 आवर्स के बाद नेटवर्क शो करता है, बट ये एक्टिवेट होने में लिए होने के लिए यहाँ पर 2 आवर्स लगते। तो 2 आवर्स के बाद में आपका जो फिजिकल सिम कार्ड होगा वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और आपका फिजिकल सिम डीएक्टिवेट होने के बाद ये eSIM कार्ड वर्क करता है, और ये परफेक्टली वर्क करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता या तो एरर भी नहीं आता है, या तो फिजिकल जो सिम कार्ड होता है उससे भी ज़्यादा फास्ट ये eSIM कार्ड वर्क कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का ये एयरटेल का जो eSIM है आप घर बैठे यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो, आपको इसके लिए कहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप जियो का भी सिम कार्ड अगर eSIM कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो ये भी वीडियो मैंने बनाया है, आप दे सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियो था, इसके बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है या तो और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूले। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।